हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन का पार्ट 3 पढ़ रहे हैं। पिछले लेक्चर्स में हमने अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन क्या होती है ये समझा था और कुछ ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा था। ये जो ऑपरेटर्स हैं उसकी लिस्ट ये है। इन ऑपरेटर की लिस्ट में हम 3 ऑपरेटर्स कवर कर चुके हैं। उसमें हमने यूनरी ऑपरेटर्स, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स और बिटवाइज ऑपरेटर्स हम पढ़ चुके हैं। और लास्ट लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था कि जो ये ऑपरेटर्स हैं ये इनकी प्रायोरिटी के हिसाब से रखे गए हैं। मीन्स यूनरी ऑपरेटर्स की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होती है, फिर उसके बाद मैथमेटिक ऑपरेटर्स की, फिर बिटवाइज ऑपरेटर्स की एंड सो ऑन। तो हमें इनको इसी क्रम में हमें याद रखना है। तो आज के लेक्चर में हम रिलेशनल ऑपरेटर्स और लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं ये 6 होते हैं। कौन कौन से हैं ये? लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इक्वल्स टू इक्वल्स टू और नॉट इक्वल्स टू। यहाँ जो इक्वल्स टू है ये 2 को इक्वल टू प्रूफ करने के काम आता है। यहाँ पे जैसे हम किसी जो इक्वल को, जैसे 5 इक्वल्स टू 5 है क्या, तो जब हमें 2 को बराबर सिद्ध करना है तो वहाँ पे हम सिंगल इक्वल्स टू लिखेंगे तो वो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। पर अगर हमें उनके बीच में कोई बताना है कि दोनों बराबर हैं तो हमें वहाँ पे डबल इक्वल्स टू लगाना पड़ता है, तभी वो रिलेशनल ऑपरेटर माना जाता है, अदरवाइज वो असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाता है। जो हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं वो ऑपरेंड्स के बीच में रिलेशंस बताते हैं कि कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कौन किसके बराबर है, इसके बराबर है, छोटा है। तो मीन 2 नाम से भी हम बोल सकते हैं रिलेशन। जैसे मैंने कहा भाई, मेरा भाई छोटा है, तो मतलब वो मेरे और भाई, मेरे भाई के बीच में क्या बता रहा है? रिलेशन बता रहा है। तो रिलेशनल ऑपरेटर्स भी 2 ऑपरेंड्स के बीच में आपको क्या बताते हैं? रिलेशन बताता है। जो रिलेशनल ऑपरेटर हैं उसमें कुछ पॉइंट्स हैं वो आपको याद ध्यान रखने चाहिए। जैसे कि जो रिलेशनल ऑपरेटर है उसका रिजल्ट हमेशा या तो 0 होगा या 1 होगा, इसके अलावा उसका कोई रिजल्ट नहीं होगा। इसमें जो भी नॉन जीरो वैल्यू होगी वो हमेशा ट्रू मानी जाती है और 0 वैल्यू को फॉल्स माना जाता है। तो हम कह सकते हैं ट्रू बोला तो मतलब आंसर हमेशा 1 आएगा और फॉल्स है तो आंसर आपका 0 माना जाएगा। तो इसको हम एक छोटा सा प्रोग्राम बना के समझ लेते हैं। एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं। ये आपकी हेडर फाइल है std.h, इस अंदर इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। मैंने बताया था इन हेडर फाइल्स को हम इसलिए इंक्लूड करते हैं क्योंकि इसमें जो हमारे प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं उनका डिक्लेरेशन होता है। ये हमारा मेन फंक्शन है, यहाँ से हमारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। बिना मेन फंक्शन के कोई भी सी प्रोग्राम बन नहीं सकता। इस प्रोग्राम में हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं int x। वो वेरिएबल है वो इंटीजर टाइप का है। clr आपका क्लियर स्क्रीन के लिए होता है। ये प्री डिफाइंड फंक्शन है जो आपकी पुट स्क्रीन को क्लियर करता है। अब मैं यहाँ x में असाइन कर देती हूँ 3 और यहाँ रिलेशनल ऑपरेटर को देखते हैं। अब इसमें हम हाथों x की जो वैल्यू है उसको हम प्रिंट करवा के भी देख लेंगे ताकि हमें समझ आ जाएगा कि रिलेशनल ऑपरेटर कैसे काम करता है। ये आपका प्रिंट एक्स का सिंटेक्स है। जो प्रिंट एफ है वो भी आपका प्री डिफाइंड फंक्शन है, जो कि इसके अंदर लिखा होता है उसको आउटपुट स्क्रीन पे शो करता है। गेट सी एच आपका एक, ये भी प्री डिफाइंड फंक्शन है जो कॉन्डोटा चैटर फाइल में है और ये एक कैरेक्टर लेने का काम करता है, जो कि तो ये क्या काम करेगा हमारे लिए, जब तक हम उसको एक कैरेक्टर नहीं देते तब तक आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करके रखता है।
अब हम यहाँ पे इस एग्जांपल के थ्रू रिलेशनल ऑपरेटर्स को समझ रहे हैं। तो यहाँ देखिए, मैंने यहाँ ये लाइन लिखी है, x असाइन 3 greater than 4। तो यहाँ पे दो टाइप के वेरिएबल्स हैं, एक यहाँ लगा ये इक्वल्स टू, ये यहाँ पे रिलेशनल ऑपरेटर नहीं है क्योंकि रिलेशनल ऑपरेटर था तो डबल इक्वल्स टू लगता, यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर है, और यहाँ ये ग्रेटर देन का सिंबल है, ये आपका रिलेशनल ऑपरेटर है। तो जब हमने ऑपरेटर्स की लिस्ट देखी थी तो असाइनमेंट ऑपरेटर की प्रायोरिटी सबसे कम होती है, रिलेशनल ऑपरेटर की असाइनमेंट ऑपरेटर से ज़्यादा है। तो अगर एक एक्सप्रेशन में दो टाइप के ऑपरेटर्स हैं तो जिसकी प्रायोरिटी हाई होगी वो पहले सॉल्व होगा, तो प्रायोरिटी रिलेशनल ऑपरेटर की है तो पहले उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ हम चेक करेंगे कि इसलिए 3 greater than 4 है तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट फॉल्स हो रहा है। तो अगर रिजल्ट फॉल्स में आ रहा है तो आउटपुट क्या आएगा, 0। तो इसलिए इसका आउटपुट डिस्प्ले हो रहा है 0। तो इसका आउटपुट हम इसको रन करके देख लेते हैं फिर से, तो ये आउटपुट आ रहा है इसका 0। अभी इसी प्रोग्राम में हम थोड़ा सा चेंज करके देख लेते हैं। यहाँ पे x कर देती हूँ less than equals to 4। तो क्या 3 या तो छोटा है या बराबर है 4 के, तो ये सही है, तो आपका आंसर है वो 1 आना चाहिए। तो करके देखते हैं तो ये आंसर आपका 1 आ रहा है। और फिर अगर हम इसमें फिर से चेंज करके देखूँ, इसी एक्सप्रेशन में एक बार और चेंज कर लेते हैं, मैंने लिखा 5 greater than 4 greater than 3। अब ये देखो यहाँ पे जब दो डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर्स यूज आते हैं तो वहाँ प्रायोरिटी देते हैं, पर अगर सेम टाइप के ऑपरेटर्स एक ही स्टेटमेंट में आते हैं तो वहाँ पे हम उसकी एसोसिएटिविटी देखते हैं। तो जो हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं उनकी एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट होती है, मीन्स अगर दोनों सेम टाइम के रिलेशनल ऑपरेटर हैं तो पहले हम लेफ्ट वाले को सॉल्व करेंगे और फिर राइट वाले को। तो क्या 5 greater than 4 है? हाँ, 5 4 से बड़ा होता है, तो जो 5 greater than 4 है बड़ा है तो इसका आंसर क्या आएगा, 1। तो यहाँ 5 greater than 4 की जगह क्या आ जाएगा, 1। तो क्या अब ये सोल्व हो गया, अब यहाँ पे 1 से ये रिप्लेस हो गया। अब चेक करेंगे कि 1 greater than 3 होता है, 1 3 से बड़ा नहीं होता, फोल्स हो गया, तो इसका आंसर क्या है, 0। अब जो टोटल आंसर आया है वो हो गया 0, और 0 अब असाइन हो जाएगा x में, तो हमारा आंसर आना चाहिए 0। देख लेते हैं एक बार, ये देखो आंसर आ रहा है 0। मैं फिर से बता देती हूँ, यहाँ पे ग्रेटर देन जो है दो बार लिखा हुआ है, तो मतलब दो रिलेशनल ऑपरेटर हो गए, तो ये लेफ्ट टू राइट सॉल्व होगा। तो पहले चेक होगा 5 4 5 4 से बड़ा है क्या, तो कंडीशन ये स्टेटमेंट सही है, 5 greater than 4 है, तो ये 5 greater than 4 का आंसर क्या हो गया, 1। तो ये 1 से रिप्लेस हो जाएगा। फिर हम चेक करेंगे 1 greater than 3 है क्या, तो 1 greater than 3 नहीं होता, बड़ा नहीं होता 1, ये तो ये क्या हो गया, स्टेटमेंट क्या हो गया, फोर्स। तो फोर्स का आंसर आता है वो क्या होता है, 0। तो जो 0 आएगा जो फाइनल रिजल्ट होगा वो x में साइन हो जाएगा, और फिर इसकी वैल्यू x की वैल्यू आ जाएगी वो क्या हो गई, 0। फिर प्रिंट है 0 आपको डिस्प्ले कर देगा। तो ये था बेसिक आपके रिलेशनल ऑपरेटर्स का। अब हम देखते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। जो लॉजिकल ऑपरेटर हैं वो 3 होते हैं, एक होता है नॉट, उसके लिए ये सिंबल है, एंड ऑपरेटर, एंड के लिए ये वाला सिंबल, और ऑपरेटर है। तो 3 हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, ये नॉर्मली जैसे हमने जो गेट्स पढ़ते हैं उसकी जैसे होते हैं, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट। तो जैसे हम देखते हैं कैसे काम करता है, तो जो हमारा एंड ऑपरेटर है वो आपका बाइनरी ऑपरेटर है, और जैसे इसमें आपने ये बाइनरी, पहले आप जैसे मान लीजिए पहला स्टेटमेंट फॉल्स है और दूसरा भी फॉल्स स्टेटमेंट है, तो मैं कहना चाहूँगी जो हमारा एंड ऑपरेटर है तो अगर दोनों कंडीशन ट्रू होती है तो ही आपका आउटपुट ट्रू आता है, अदरवाइज फॉल्स आता है। यहाँ देखिए ट्रू है
ये भी ट्रू है, ये स्टेटमेंट वन भी ट्रू है, स्टेटमेंट टू भी ट्रू है, तो आपका आंसर आएगा ट्रू। अगर फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स है तो यहाँ एक्स का मतलब है कि आपको दूसरे स्टेटमेंट को देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर दोनों में से कोई एक भी फॉल्स होगा तो आंसर फॉल्स ही आता है। तो अगर फर्स्ट ही फॉल्स है तो दूसरे को देखने की जरूरत नहीं है कि वो सही है या गलत, हम कह सकते हैं आपका आउटपुट फॉल्स ही आएगा, मतलब रिजल्ट जीरो ही आएगा। पर अगर फर्स्ट ट्रू है तो दूसरा आपको चेक करना पड़ेगा कि वो ट्रू है या फॉल्स। अगर फॉल्स है तो दोनों में से कोई एक फॉल्स हो गया इसलिए फॉल्स आएगा, पर अगर दोनों ट्रू हैं तब आपका आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। ऐसे ही आपका एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर होता है। इसमें क्या होता है कि अगर फर्स्ट दोनों स्टेटमेंट में से, पहला स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट टू, इन दोनों में से अगर कोई एक भी स्टेटमेंट ट्रू होता है तो रिजल्ट ट्रू आता है। जैसे यहाँ देखिए ट्रू, अगर फर्स्ट स्टेटमेंट ही ट्रू है तो दूसरे को देखने की जरूरत ही नहीं है, ऑटोमेटिक आंसर ट्रू ही रहेगा। पर अगर फर्स्ट फॉल्स है तो दूसरे को चेक करेंगे कि ट्रू है या फॉल्स, अगर ट्रू है तो आपका आंसर ट्रू ही आएगा, और अगर फर्स्ट फॉल्स है दूसरा भी फिर से हम चेक करेंगे, अगर वो फॉल्स है तो आंसर आपका फॉल्स आएगा। तो हम कहने में सिंपली हम कह सकते हैं कि अगर कोई एक भी स्टेटमेंट ट्रू है तो एंड और ऑपरेटर का आउटपुट ट्रू ही आएगा, जबकि एंड ऑपरेटर में क्या होता है, दोनों में से कोई दोनों ही ट्रू होंगे तब आंसर वन आएगा, अदरवाइज जीरो होता है, जबकि और में दोनों में से कोई एक भी ट्रू है तो भी आंसर आपका ट्रू आता है। जो तीसरा ऑपरेटर है नॉट ऑपरेटर, वो यूनरी ऑपरेटर होता है। तो यूनरी ऑपरेटर्स आपने ऑपरेटर्स की लिस्ट में देखा होगा सबसे ऊपर आते हैं, तो यूनरी ऑपरेटर की प्रायोरिटी इन दोनों ऑपरेटर से हाई होती है, इन दोनों से क्या आप कह सकते हो रिलेशनल से भी, क्योंकि जो नॉट ऑपरेटर है वो यूनरी ऑपरेटर्स की कैटेगरी में आ गया, तो इसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होती है। तो ये एक यूनरी ऑपरेटर है, इसका प्रायोरिटी लेवल यूनरी ऑपरेटर्स के बराबर होता है, और ये क्या करता है, जो भी वैल्यू देते हो उसको इन्वर्ट कर देता है। अगर आपने इसको ट्रू वैल्यू दी है तो उसको फॉल्स कर देगा, और फॉल्स वैल्यू दी है तो इसको वो ट्रू कर देता है। तो इसको भी हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि ये कैसे काम करता है। इसी में प्रोग्राम में हम चेंज कर लेते हैं, यहाँ हमने लिखा int, एक और वेरिएबल ले लेते हैं y, यहाँ पे इसमें साइन कर लेते हैं x की वैल्यू 5। अब इसमें हम y assign x एक बार तो सिंपल इससे देखते हैं, फिर इसमें हम लॉजिकल ऑपरेटर भी लगाएंगे कि वैल्यू कैसे इन्वर्ट होती है वो देखेंगे। फिर अब यहाँ पे हमें वैल्यू प्रिंट करवानी है y की, तो अगर हम अभी देखें तो y की वैल्यू क्या होगी, यहाँ हमने लिखा था x असाइन 5, और यहाँ पे हमने देखा क्या ये कौन सा ऑपरेटर है, रिलेशनल, x में कितना है यहाँ पे 5, तो 5 ग्रेटर देन 4 होता है क्या, तो 4 होता, 5 4 से 5 4 से बड़ा होता है, तो यहाँ पे आंसर आएगा ट्रू। ट्रू कितना होगा 1, तो y में क्या वैल्यू होगी 1, तो आंसर आपका आना चाहिए 1। ये देखो आंसर आपका 1 आ गया। अब इसी को हम रिलेशनल ऑपरेटर देख लेते हैं, सॉरी लॉजिकल ऑपरेटर्स नोट देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें अगर मैं जो हमारा नॉट ऑपरेटर था उसका सिंबल था ये क्या करता है, इन्वर्ट करता है वैल्यू को। तो पहले आंसर आ रहा था वाई में 1, तो अब 0 आना चाहिए। पर आप ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि यूनरी ऑपरेटर है, सॉरी नॉट ऑपरेटर है वो यूनरी ऑपरेटर है, और यूनरी ऑपरेटर की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे अगर मुझे देखना है तो तीन ऑपरेटर हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर,
एक हो गया नोड ऑपरेटर जो कि यूनरी ऑपरेटर है, एक रिलेशनल ऑपरेटर। तो सबसे पहले आपका नोट ऑपरेटर सोल्व होगा, क्यों? क्योंकि वो यूनरी ऑपरेटर है, तो जो भी इसको वैल्यू मिलेगी उसको वो इन्वर्ट कर देता है, और जो भी नॉन जीरो वैल्यू होती है उसको वो ट्रू मानता है। तो यहाँ पे देखो x में वैल्यू कितनी है, 5 x की वैल्यू है, तो वो 5 क्या है, नॉन जीरो मतलब जीरो नहीं है, तो उसको ये क्या मान रहा है, ट्रू। ट्रू मान रहा है तो ट्रू को वैल्यू उसको उल्टा करता है, वन को क्या कर देगा, जीरो। तो यहाँ पे ये इसका काम हो गया जीरो। तो क्या जीरो 4 से बड़ा होता है क्या? नहीं होता, नहीं होता तो क्या क्या होगा, फोल्स। फोल्स का क्या होगा, जीरो। तो अब आपका आउटपुट आना चाहिए जीरो, जीरो। अब ये जीरो इसकी वजह से नहीं आया है, जीरो यहाँ पे पहले ही इसने 5 x की जो वैल्यू 5 थी उसको इन्वर्ट कर दिया। क्या कर दिया यहाँ पे, इसका आंसर आपका आ रहा था जीरो। तो क्या जीरो 4 से बड़ा नहीं होता है, इसलिए y में साइन हो गया, फोर्स स्टेटमेंट हो गया तो जीरो, इसलिए इसकी वैल्यू क्या हो गई, आंसर आया है y का जीरो। अब ऐसे ही हम जो हमारा एंड ऑपरेटर और नॉट ऑपरेटर देख लेते हैं। जो एंड और ऑपरेटर हैं वो दोनों क्या हैं, बाइनरी ऑपरेटर्स हैं। x ग्रेटर देन 4 एंड x लेस देन 10, ये देखते हैं। तो अब देखो जो हमारा रिलेशनल ऑपरेटर है पहले वो सोल्व होगा क्योंकि उनकी प्रायोरिटी हाई है। तो क्या x 4 से बड़ा है क्या, x में वैल्यू असाइन है 5 4 से बड़ा है क्या, हाँ 5 4 से बड़ा होता है। तो यहाँ पे क्या आ गया, ट्रू। जब हमने एंड ऑपरेटर देखा था तो उसमें कहा था दोनों चेक करना पड़ेगा, अगर ये पहला ट्रू है तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो गया। तो अब हम देखेंगे, ये तो ट्रू आ गया, इसका आंसर ये रिप्लेस हो गया 1 से। क्या x की वैल्यू कितनी, 5 10 से छोटा होता है, हाँ होता है, तो दोनों ट्रू हैं तो ट्रू हो गया। तो ट्रू एंड ऑपरेटर ट्रू, तो ट्रू ट्रू क्या आएगा आंसर, 1 ही है, ट्रू ही आएगा, और ट्रू का मतलब होता है 1। तो y में वैल्यू असाइन हो गई 1, ये देखो आंसर आपका क्या है, 1 आ गया। तो ये था आपका एंड ऑपरेटर। अब ऐसे ही सेम यहाँ पे हम और ऑपरेटर लगा के भी देख लेते हैं। और इसको हटा दो, पावर ऑपरेटर है, इसको स्टेटमेंट को चेंज कर लेते हैं, लेस देन, यहाँ पे भी लेस देन। अब x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 5 4 से छोटा होता है क्या, छोटा नहीं होता है, 5 4 से बड़ा होता है, तो इसका आंसर क्या आ गया, 0। पर और ऑपरेटर में क्या होगा, आपका और ऑपरेटर क्या करता है, दोनों में से अगर एक भी ट्रू है तो भी आंसर ट्रू ही आएगा। तो ये तो फॉल्स है, पर हम आगे वाले स्टेटमेंट चेक करेंगे। तो यहाँ पे x की वैल्यू 5 लेस देन 10 होता है, एक स्टेटमेंट ट्रू है, तो अब इसका आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा, देखो 1। तो ये था बेसिक आपका लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में। तो आज के लेक्चर में हमने रिलेशनल और लॉजिकल ऑपरेटर्स देखा। आज के लेक्चर के लिए इतना ही, थैंक यू।